हेलो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में और जो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज दी थी उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लेक्चर्स आते हैं तो एक वीडियो होता है जिसको आपको देखना होता है, और अभी आपके पास जैसे बुक्स हैं नहीं, आपने बुक्स परचेज नहीं की हैं, तो उस वीडियो के नीचे एक फाइल होती है नोट्स की। तो जब आप उस फाइल को खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगी फोन में, और इस फाइल में से आपको नोट्स बनाने होंगे। तो इस तरह से कुछ रहेगी। ऐसे अलग अलग पेजेस होंगे, इसमें से जो मेन हेडिंग के नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं। जो लास्ट टाइम के जो नोट्स थे वो मैं ये दिखा रहा हूँ, नंबर सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और ये जो एक्सरसाइज है लेट्स ट्राई 3, ये मैंने लास्ट टाइम आपको सॉल्व करने के लिए दी थी। इसको आज हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें इस नंबर को इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में लिखना है, और सेकंड क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि कौन सा सिस्टम में लिखा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। हमें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में इसको लिखना है। फर्स्ट नंबर है 698535। पहले हम इंडियन में लिखेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडियन सिस्टम में हर पीरियड के बाद एक कॉमा लगाते हैं। तो मतलब कौन कौन से सिस्टम पीरियड्स होते हैं इंडियन में? वंस पीरियड, थाउजेंड्स, फिर लैक्स, फिर करोड़्स। तो पहले वंस पीरियड एक कॉमा, फिर थाउजेंड्स का पीरियड दो का होता है इंडियन में, तो ये दो। अब ये हो गया 698535। ठीक है, अब इसको इंटरनेशनल में लिखते हैं। इंटरनेशनल में लिखने के लिए हमने क्या देखा, इंटरनेशनल में वंस पीरियड तो यहीं पे ख़त्म होता है, पर जो अगला थाउजेंड पीरियड होता है, इंटरनेशनल में हर पीरियड तीन तीन नंबर्स का होता है, तो वंस पीरियड और फिर ये थाउजेंड्स पीरियड, तो ये नंबर हो गया 698532। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर है 2369857। तो हम इसे इंडियन में लिखेंगे। इंडियन में कौन कौन से होते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, फिर टेन थाउजेंड्स, फिर लैक्स, फिर टेन लैक्स। तो हमने लिखा 7589632।
10 लैक्स तक जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया 23,69,857। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बना के नहीं बताया था, पर इस क्वेश्चन में मैं आपको सारे प्लेस वैल्यू बना के दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। अब हर पीरियड, ये जो तीन नंबर्स का पीरियड है वो वंस, फिर ये थाउजेंड्स पीरियड, फिर ये लैक्स का पीरियड, ठीक है। तो हर पीरियड के बाद एक कॉमा लगाते हैं, ये पिछली बार देखा था। सो वन एंड टू, तो ये दो कॉमा लगेंगे। सो 23,69,857 ऐसे इस नंबर को, और लिखेंगे कैसे, 23,69,857। ओके स्टूडेंट्स, अब इंटरनेशनल में लिखना है, ठीक है। इंटरनेशनल कौन से पीरियड होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, लैक्स, मिलियंस, टेन मिलियंस, हंड्रेड मिलियंस, ऐसे पीरियड्स होते हैं उसमें। आप नोट्स में भी देख सकते हैं, जो आपको फाइल वीडियो के नीचे होगी उसमें ये होगा। सो ये एक पीरियड वंस पीरियड, ये थाउजेंड पीरियड, ये लैक्स का पीरियड। इस नंबर को लिखेंगे 7,5,8,9,6,3,2। यहाँ पे देख सकते हैं मिलियन में आ रहा है, सो 2,369,857 कैसे लिखेंगे, और कॉमास यहाँ पे एक और ये दो लगाएंगे। सो 2,369,857। इस तरीके से एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें बताना है कि ये नंबर इंडियन सिस्टम का है या इंटरनेशनल सिस्टम का है। अब 469,325 ये नंबर लिखा है पहला, किस सिस्टम का है कैसे बताएंगे। देखिए, फर्स्ट तीन नंबर्स के बाद कॉमा तो इंडियन में भी लगता है और इंटरनेशनल में भी लगता है, क्योंकि वो वंस पीरियड होता है। पर अगर ये इंडियन सिस्टम होता तो यहाँ पे कॉमा लगता थाउजेंड पीरियड के बाद, पर यहाँ पे कॉमा नहीं है, मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम में है, इंटरनेशनल। अब एक्सरसाइज का आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी 27,38,23,154। अब इसको कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट तीन के बाद कॉमा दोनों सिस्टम में होता है, पर अगर इंटरनेशनल होता तो थाउजेंड पीरियड तीन का होता तो यहाँ पे कॉमा आता, फिर यहाँ पे कॉमा आता, पर ये यहाँ पे दो नंबर के बाद कॉमा थाउजेंड पीरियड, फिर दो नंबर के बाद कॉमा लैक्स पीरियड, मतलब ये इंडियन का है, इंडियन सिस्टम, ये भी हमने पता कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन 239
6 5 4 3 5 7 ये। अब इसमें हम देख सकते हैं कि तीन के बाद, फिर तीन के बाद कॉमा लगाए, फिर तीन के बाद, इसका मतलब है कि तीन का पीरियड वंस, फिर तीन का थाउजेंड, फिर तीन का मिलियंस, मतलब ये नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेट्स ट्राई थ्री आपको लास्ट बार मिला था उसका ये सॉल्यूशन है। इसी तरह आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे की थ्योरी पढ़ेंगे और अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।